भाई बड़े से बड़े ब्रांड में आप सभी ने बर्गर खाया होगा, लेकिन आज मैं आप सभी को अंकल जी का एक स्पेशल बर्गर खिलाने वाला हूँ जो भाई देखने में और मेकिंग में काफी कमाल का होने वाला है। तो भाई सबसे पहले देख लो यहाँ पर बर्गर का बना गया है। और ये आ गई टिक्की। तो अंकल जी टिक्की वगैरह खुद ही बनाते हो? और सबसे पहले आ गया प्याज, प्याज के बाद खीरा आ गया है। और ये कौन सा मसाला डाल देंगे? गरम मसाले। और ये अपना नमक आ गया। नमक आ गया। और यहाँ पर अपनी टिक्की भी रेडी हो गई है। धनिया मिर्ची की चटनी है। अच्छा, धनिया मिर्ची वाली चटनी भी आएगी? गुड़ इमली की चटनी है। अच्छा, गुड़ और इमली की चटनी। भाई आज से पहले आपने बर्गर के अंदर गुड़ इमली गुड़ इमली वाली चटनी नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ पर डाल के अंकल देते हैं। और भाई हो गया अंकल तैयार? हाँ जी तैयार हो गया। अंकल जी एक प्लेट हमारा आलू चाट भी बना देना। और भाई अब हम बनवाने वाले हैं अपने लिए आलू चाट। और यहाँ पर देख लो सबसे पहले अंकल जी इसे आपने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है। ये दोबारा फ्राई करना पड़ता है, थोड़ा कुरकुरा हो जाता है। ये 20 रुपए प्लेट है? ये 30 का प्लेट। अच्छा, ये 30 का प्लेट है। क्यों, आलू भी मांगे हैं, घी भी मांगे हैं। अच्छा, तो घी में फ्राई करते हो ये? हाँ जी, पहले वही था, 20 ही का प्लेट बेचते थे। अच्छा, जब से महंगाई हुआ, जब से हालत खराब हो रहे हैं। मिर्ची कैसे रखूँ? मिर्ची तेज कर देना। और ये अपना गरम मसाला, और इसके बाद वही वाली चटनी आ गई। और अब डालेंगे अंकल जी नींबू। भाई साहब चटपटा हो गया होगा एकदम। तो अंकल जी सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर क्या खाने आते हैं? ये ब्लाइंड जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा उनको आलू पसंद है। अच्छा, आलू पसंद है, आलू चाट। बाकी तो बर्गर तो बिकता ही रहता है। ये लो जी भाई हमारी आलू चाट भी तैयार हो गई है। भाई आलू चाट अगर आपको खाना पसंद है ना, तो बहुत ही ज्यादा चटपटे हैं, मसालेदार हैं, और स्पेशली इन्होंने जो चटनी डाली है ना, उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। भाई टेस्ट में बर्गर भी लाजवाब है, हल्की फुल्की मीठा सा फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा खट्टा फ्लेवर भी आ रहा है, और टिक्की वाली जो चटनी है उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और कीरा वगैरह डाल रखा है वो भी खाने में अच्छा ही लग रहा है। मैं 8 बजे आता हूँ शाम को 7 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। और ये लोकेशन कौन सी पड़ती होगी? टिक्की के सामने है। भाई एक बार लोकेशन के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये जो अंदर बैठते हैं इसके ठीक सामने एसआर सिंधी कॉलेज है, गेट नंबर 2 है, और इसके ठीक सामने अंकल जी आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। भाई अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अंकल जी के नाम पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि अंकल जी को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। थैंक यू।